तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, आप में और हम सब चाहे कितने ही मोबाइल में ऑनलाइन शोज, मूवीज या यूट्यूब में वीडियोस क्यों ना देख लें, या हम चाहे दिन भर कितने ही बिजी क्यों ना हो, इन 24 घंटों में हम एक ना एक बार टीवी जरूर देखेंगे। तो क्या आप जानते हैं कि आपके टीवी में इस तरीके से रैंडमली फ्लैश होने वाले इन नंबरों का क्या मतलब होता है? आखिर क्यों इन नंबरों को दिखाया जाता है जिससे हम डिस्टर्ब भी हो सकते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इन नंबरों से आपके घर तक भी पहुंचा जा सकता है? कैसे, तो आइए जानते हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर रैंडमली कहीं भी और किसी भी समय दिख सकता है। इन नंबरों को आपके सेट टॉप बॉक्स के द्वारा यूनिकली ऑटोमेटिक जनरेट किया जाता है। जी हाँ, ध्यान रहे कि ये नंबर हर सेट टॉप बॉक्स के लिए यूनिक होता है, यानी कि हर सेट टॉप बॉक्स के द्वारा इन नंबरों को अलग अलग दिखाया जाता है। जैसे कि अगर आप उसी समय उसी चैनल को किसी दूसरे सेट टॉप बॉक्स में देखोगे तो वहाँ पर आपको अलग नंबर देखने को मिलेगा और आपके सेट टॉप बॉक्स में कोई अलग नंबर दिखेगा। अब इन नंबरों को दिखाने के पीछे क्या कारण है, आखिर क्या मतलब होता है इन नंबरों का, समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे तारक मेहता की उल्टा चश्मा का कोई एपिसोड चल रहा है या लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है, तो होता क्या है कि कई लोग अपने मोबाइल या कैमरा निकाल कर टीवी के सामने रखकर उसे रिकॉर्ड करते हैं और वेब या यूट्यूब में अपलोड कर देते हैं या लाइव दिखाते हैं। तो अब होता यह है कि जब कोई अपलोड करता है या लाइव स्ट्रीमिंग कराता है तो वहाँ पर यह नंबर भी दिखाई देता है, और इस नंबर को ट्रैक करके आपके घर का एड्रेस निकाला जा सकता है जहाँ पर यह सेट टॉप बॉक्स लगा हुआ है। यहाँ तक कि इस नंबर से आपके नाम को भी ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि इस नंबर को केवल और केवल आपके ही सेट टॉप बॉक्स के लिए यूनिकली जनरेट कराया जाता है। जब आप अपने सेट टॉप बॉक्स के लिए टाटा स्काई, एयरटेल, डिश टीवी या अन्य कोई कनेक्शन लेते हैं तो वहाँ पर आपको अपना नाम, पता जैसे डिटेल्स देने पड़ते हैं, और इन्हीं डिटेल्स का यूज करके आपको ट्रैक किया जाता है। अब किसी भी सीरियल के कोई एपिसोड को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसा लगा हुआ होता है, उसी तरीके से किसी लाइव प्रोग्राम जैसे क्रिकेट को अपने टीवी चैनल में दिखाने के लिए भी पार्टनरशिप खरीदना पड़ता है। तो ब्रॉडकास्टर को यह पता होता है कि जब हम इन्हें टीवी में दिखाएंगे तो कोई ना कोई किसी भी तरीके से इसे कॉपी करके फ्री में दिखाएगा, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होगा। अब सीधे सीधे बात करें तो इसी तरीके के पायरेसी को रोकने के लिए ही एपिसोड या लाइव प्रोग्राम के बीच बीच में इन नंबरों को ब्लिंक करा दिया जाता है, जिसे अगर कोई कॉपी करे तो इन नंबरों के थ्रू उन्हें ट्रैक किया जाएगा और अगले दिन से उनके सेट टॉप बॉक्स को बंद करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसी तरीके का सेम ट्रैकिंग मेथड जियो टीवी में भी अपनाया जाता है। जियो टीवी यूज करने के लिए मोबाइल नंबर से लॉगिन करना पड़ता है। इस तरह अगर कोई जियो टीवी से कॉपी करता है तो वहाँ भी इसी तरीके का रैंडम नंबर ब्लिंक करा दिया जाता है, जिसे ट्रैक करके उनके मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर से उस आदमी तक पहुँचा जा सकता है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा और नए हो आप हमारे चैनल पे तो पता है आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम ज्ञान बांटते रहते हैं। धन्यवाद।